नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात कि कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। अरुण साहब ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। अरुण साहब ने कैबिनेट की बैठक को लेकर ये पूरी जानकारियां दी हैं। क्या कुछ इस विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो सुनवाएंगे आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। इंतजार कर रहे हैं हम भी। कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। शराबबंदी का मसला ऐसा जिसे लेकर लगातार चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी विपक्ष में रहते हुए एग्रेसिव रही। अब पहला फैसला, कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ और फैसले हुए, उस पर भी लेकर जानकारी। आकाश, सबसे अहम बात, कोई नई शराब दुकान नहीं, इसके अलावा क्या कुछ और महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल। देखिए, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक खत्म होने के बाद अरुण साहब पहुंचे मीडिया को ब्रीफिंग करने के दौरान। सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही है, लोगों से जुड़ा हुआ है, कि कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। चुनाव के दौरान भी शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष उस समय कांग्रेस सरकार को लगातार घेरते आए थे और नई नीति बनाने की बात कही थी। तो स्पष्ट कह दिया है किसी भी तरीके से कोई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो अवैध शराब और जो और गलत तरीके से शराब के काम हो रहे हैं, उस पर भी कड़ी पाबंदी लगाई जाएगी। इसको लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बजट को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि फरवरी में बजट आना है छत्तीसगढ़ का, उस संबंध में चर्चा हुई है। हालांकि बजट को लेकर कुछ विस्तृत बातें सामने नहीं आती है या नहीं बताई जाती है, लेकिन खासी चर्चा हुई है आज लंबी बैठक में। इसके अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मोदी की गारंटी को लेकर भी चर्चा हुई है, किस तरीके से धान के मुद्दे को लेकर पहले जो निर्णय लिया गया था, आवास को लेकर निर्णय लिया गया था, तो लोकसभा चुनाव से पहले और किन मुद्दों को पूरा किया जाना है, उसको भी लेकर काफी जो है कैबिनेट में चर्चा हुई है। जी अब आकाश, आपने चूंकि मोदी की गारंटी का जिक्र कर दिया, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बाकी और जो महत्वपूर्ण फैसले रहे उनके बारे में भी जानकारी दी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है आकाश, कि धान खरीदी रकम को लेकर, यानी दर को लेकर, और प्रति क्विंटल प्रति जो जो क्विंटल के हिसाब से क्या दर मिलेगी, इसको लेकर बड़े भ्रम की स्थितियां थीं। तो क्या इन्हें जल्द से जल्द साफ किया जाएगा आकाश? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो उन्होंने कहा था कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदेंगे, उसको स्पष्ट कर दिया कि किसानों को मिलेगा। जो पूर्व में किसान धान को बेच चुके हैं, उन्हें भी उसका मूल्य मिलेगा। और इसको लेकर प्रशासनिक भी जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रही बात धान खरीदी की, तो धान खरीदी और उठाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही कहा था, और बेहतर तरीके से धान का उठाव हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कई जगह धान के उठाव को लेकर या खरीदी को लेकर जो अव्यवस्थाएं आ रही है, उसकी शिकायत सीधे पहुंच रही है। तो सरकार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उसे पूरा करने की भी बात कही है। फोकस किसानों का है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और किसी तरीके से इसमें दिक्कत हो या कोई अव्यवस्था दिखे, ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बिलासपुर के किसानों ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है, 31 जनवरी तक ये चलनी है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बेमौसम बारिश और 3 दिन की छुट्टी की वजह से बहुत से किसान धान नहीं बेच पाए हैं। जिले में 5 लाख किसान है, 1 लाख किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। गाँव में तो मौसम खराब होने के कारण बहुत किसान धान नहीं बेच पाए हैं और सब किसानों का यही मांग है कि कम से कम 15 दिनों डेट बढ़ाई जाए।
जिससे धान बेच सके। दिक्कत आई है मौसम की वजह से, मौसम की वजह से किसान का धान खेत में ही फंसा हुआ था, घर नहीं ला पाए थे, और जो ला पाए थे वो बस बेच पाए थे, जो बाद में लाए हैं ना वो लोग धान अभी भी नहीं बेच पाए हैं। तो कम से कम 50-60 किसान है गाँव में जो धान नहीं बेच पाए हैं। खबर रायपुर से, 3 स्थानीय अवकाशों का ऐलान किया गया है, हालांकि सिर्फ 3 जगहों पर लागू होगा, नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर में लागू होगा। 9 अगस्त को नागपंचमी की छुट्टी, 2 सितंबर को पोला की छुट्टी, 11 अक्टूबर को महानवमी की छुट्टी। 3 ये छुट्टियां हैं, लेकिन कहां लागू होंगी? नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर। 9 अगस्त नागपंचमी, 2 सितंबर पोला, 11 अक्टूबर महानवमी। इधर वाणिज्य कर विभाग में हुआ है तबादला, 21 अफसर इधर से उधर किए गए हैं, ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया। लंबे समय से ये सभी एक ही जगह पर पदस्थ थे, 21 अफसरों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए वाणिज्य कर विभाग में। हेर हेर इधर से उधर। इधर रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जातिवाद की गणना नहीं होनी चाहिए, गरीब और परेशान कितने हैं इसकी गणना होनी चाहिए। भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं, भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना करो, परेशान कितने हैं इनकी गणना करो। हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब है, आपके खानदान में भी तो गरीब है। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। और धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी शादी को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि बड़े और गुरु की आज्ञा से वो जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बहने अपने मन से उनमें उनसे शादी की करने की भावना रख रही है वो उसे छोड़ दें। कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रही, उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं, हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से। और विधानसभा चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जांजगीर चांपा जिले में भी राहुल गांधी का प्रवास प्रस्तावित है, इसे लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज जांजगीर पहुंचे, मीडिया से चर्चा की। ये भी कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है। जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक होने की बात कहते हुए ये सीट जीतने का दावा उन्होंने किया, बीजेपी को आड़े हाथों लिया। न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजरेगी तो ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में स्वागत होगा, इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इसके लिए जोर जोर से तैयारी कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते, ये महंगाई पे क्यों बात नहीं करते, ये बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डूब चुकी है, 205 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार कर्ज में डूब चुकी है, इसकी बात क्यों नहीं करते। बिलासपुर हाईकोर्ट में पथलगांव से बीजेपी के विधायक गोमती साय के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, इसे लेकर सुनवाई हुई।
गोमती साय को कोर्ट ने नोटिस दिया है, जवाब मांगा है, 28 फरवरी को फिर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने पत्थलगांव से भाजपा विधायक गोमती साय सहित 6 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। रामपुकार महज 255 वोटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार रामपुकार सिंह ने याचिका में कहा है कि पोस्टल बैलेट का नियम अनुसार हिसाब नहीं रखा गया, उनको बड़ी संख्या में मिले वोटों को निरस्त कर दिया गया। वीवीपैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो विधानसभा चुनाव हार गए। याचिका में चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस उम्मीदवार रामपुकार सिंह ने याचिका में कहा है कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंटिंग का आवेदन दिया था, जिसे बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। आरोप है कि चुनाव आयोग के सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता या उसके इलेक्शन एजेंट को जानकारी नहीं दी गई और गोमती साय को निर्वाचित घोषित किया गया। याचिका में बीजेपी पर रामपुकार के खराब स्वास्थ्य होने की अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को मिलने वाले वोट अन्य पार्टियों को ट्रांसफर हो गए हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। 16 जनवरी को सुकमा में जवानों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। साथ ही नक्सलियों ने अपने 3 साथियों की मौत और बड़ी संख्या में जवानों के मारे जाने, घायल होने का दावा भी किया है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर धर्मावरम पुलिस कैंप के पास से जवानों ने करीब 300 BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के जिंदा सेल बरामद किए। नक्सलियों ने 16 जनवरी को करीब 1000 BGL कैंप पर दागे थे। इस हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस कैंप के अंदर घुसने के लिए नक्सलियों ने जंगली घास से बने विशेष पोशाक पहने थे। इस हमले में 3 नक्सलियों की मौत की बात खुद नक्सलियों ने मानी है। उसी रात नक्सली अपने 3 साथियों के शवों को अपने साथ लेकर चले गए थे, जिसके बाद बस्तर के ही जंगलों में मारे गए इन 3 नक्सलियों के शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। साथ ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में जवानों को मारने और घायल करने का भी दावा किया है। वहीं नक्सलियों ने पूरे इलाके में जगह जगह IED भी लगा रखी थी। तो एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी बस्तर में नक्सलियों की अंतिम लड़ाई का दावा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की नीतियों के तहत बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जगदलपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक मां ने अपनी बच्ची को मारने की नीयत से चूहों के बिल में झोंक दिया। जगदलपुर के एक गांव में नवजात बच्ची को उसकी मां ने मारने के लिए चूहों के बिल में डाल दिया। रोनी की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने मासूम को बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि एक छोटी बच्ची जो है वो मिट्टी में मतलब दबी हुई है और उसकी रोने की आवाज़ आ रही है, और उन्होंने डायल 112 पे कॉल किया, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सरपंच ने थाने में आकर यह सूचना दी है कि वह जो उसकी माता है उसके द्वारा ही इस बच्ची को दफनाया गया था, जिसके तहत आज थाना कोडेनार में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जांच में क्या मामला आया, किसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ? माँ के विरुद्ध ही किया गया है, क्योंकि माँ ने ही उसे दफनाया हुआ था। अभी और भी प्रारंभिक जांच चल रही है, जिसमें अगर कोई आरोपी दोषी होता है तो उनको भी उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। तोकपाल गांव की रहने वाली युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती गर्भवती थी। 22 जनवरी की आधी रात उसने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी प्रेमी को दी। युवक ने प्रेमिका और बच्ची को अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने बच्ची को मारने का प्लान बनाया। बच्ची को खेत में चूहे के बिल के पास छोड़कर वो युवती चली गई। इतना ही नहीं, बच्ची के ऊपर उसने मिट्टी डाल दी। फिलहाल बच्ची का इलाज किया जा रहा है और मासूम की हालत ठीक है। इधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जगदलपुर से न्यूज 18 के लिए श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट। इधर ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी सौंदर्यीकरण और निष्पादन से जुड़ी जनहित याचिका की ग्वालियर हाईकोर्ट में
डबल बेंच में सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने प्रदेश के अर्बन कमिश्नर, ग्वालियर निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ को फटकार लगाई। कोर्ट ने अर्बन कमिश्नर भरत यादव के पेश किए गए एफिडेविट पर सख्त नाराजगी जताई। यह भी कहा कि कोई काम ना करना हो तो समिति गठित कर दो। मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। स्मार्ट सिटी सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि नगर निगम के साथ और अर्बन कमिश्नर के साथ आपको भी एक लिखित अलपनामा देना है कि स्मार्ट सिटी ने इस नदी से डेवलपमेंट से संबंधित क्या काम किए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। और इस पूरे मामले की सुनवाई को लेते आगे करते हुए माननीय न्यायालय ने बिना निर्णय पारित किए इस हलफनामे के साथ सुनवाई के लिए 6 फरवरी डेट डिसाइड की है, जिस पे आगे इस पूरे मामले की सुनवाई की। इधर धार में सेल्फी लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। मांडू में सेल्फी लेने के दौरान ये युवक अचानक खाई में जा गिरा। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंदौर का ये युवक बताया जा रहा है और तलाश इसकी की जा रही है, पर अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं। कुछ आगे वहाँ पर रेलिंग क्रॉस करके व्यक्ति उस साइड चला गया और वहीं पैर फिसलने से नीचे खाई में। लास्ट कितनी नीचे गिरी खाई में? करीब ये तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस हम नहीं बता सकते कितना, 2000 फीट समथिंग। तो क्या प्रबंध है मैडम लास्ट को निकालने के? कब तक ये निकालना? खबर अनूपपुर से। विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के तहत आने वाले पड़री पंचायत में चौरा दादर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आते हैं। कोई कांवर बनाकर, कोई घोड़े लेकर पानी लेने जाता है। दरअसल चौरा दादर गाँव पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ है। यहाँ PHE विभाग की तमाम योजनाएँ फेल हो चुकी हैं। चौरा दादर गाँव में 45 घर हैं, आबादी है तकरीबन 300 और पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते सरकार की योजनाएं दम तोड़ देती हैं। विधायक जो भी हैं सबको बताए हैं, अभी तक समस्याओं को निराकरण नहीं हुआ है, ना करते नहीं है, ना सुनते भी नहीं है। कब तक ऐसे चलेगा? पता नहीं कब करे, कब सुने। चौरा दादर का पानी का समस्या तो है ही है, मेरे संज्ञान में भी आया है। बहुत दूर से भाई बंधुओं लोग काफी परेशान हो के पानी दूर से ले जाते हैं, तो इसके बारे में मेरे संज्ञान में आया है, मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगी। नलकूप स्रोत हम लोग खनन करते हैं तो स्रोत मिलता है पर कम मिलता है। इसी प्रकार आप जब जिस गांव की बात कर रहे हैं चौरा दादर, वहाँ पर 3 बोर हैं हमारे जिसमें कम पानी निकलता है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके बगल में पहाड़ के नीचे बकान गांव है, वहाँ से पानी ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।